हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं जो लुक क्रिएट करने जा रही हूँ वो स्पेशली दुर्गा पूजा के लिए है। सो सबसे पहले मैं फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल की। Then I'm going to prime my face with my current favorite oil primer, and this is from Pack Cosmetics. Primer is very important before your makeup. A primer आपके skin को बहुत smooth बनाता है and ये आपके foundation को blend करने में भी help करता है. And primer also keep your makeup fresh for a longer time. नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एले गर्ल का कलर करेक्टर एंड ये ऑरेंज कलर का है। इसको मैं अप्लाई करूँगी मेरे फेस में जहाँ जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स एंड पिंपल्स के मार्क्स है, लाइक अंडर माय आईज एंड माय नोज एंड लिप्स के बोथ साइड में। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पिगमेंटेशन का मार्क्स है एंड देन इसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। So now I'm going to apply this foundation and this is from Giorgio Armani. My shade is 6.25. This is Luminous Silk Foundation. Foundation ko main directly face mein use kar rahi hu cause each and every drop of this beauty is very costly. Guys, aap koi bhi foundation ko use kar sakte ho apne skin type and tone ke hisab se. अभी मैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेरा रियल टेक्निक का स्कल्पटिंग ब्रश। ये ब्रश बहुत ही अच्छा होता है कोई भी क्रीम बेस्ड फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। गाइज, ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर मेकअप, बिकॉज अच्छे से अगर ब्लेंडिंग नहीं करोगे आप फाउंडेशन को सो आपका मेकअप बहुत ही पैची एंड अनइवन दिखेगा। सो ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर। सो इसके लिए मैं आज मेबिलिन कंसीलर का यूज़ करूँगी। कंसीलर को मैं मेरा अंडर आई एरिया में, देन बोथ साइड ऑफ माय नोज एंड आल्सो टू हाईलाइट माय नोज, मैं नोज के ऊपर एंड फोरहेड में भी कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी। कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए आप कंसीलर ब्रश का यूज़ कर सकते हो, आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। मैं मेरा रियल टेक्निक का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्टोरिंग। सो फॉर माई कॉन्टोरिंग आई एम गोइंग टू यूज दिस नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन स्टिक, द शेड इज 07। इसको मैं अंडरनीथ माई चिक बोन यूज कर रही हूँ एंड इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक फ्लैट कॉन्टोरिंग ब्रश जो है पैक कॉस्मेटिक से। इसके बाद मैं कलर बार की ये पाउडर को यूज़ करने वाली हूँ। ये है ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर आपके फाउंडेशन को एक मैट फिनिश लुक देता है।
This is the matte finish bronzer and this is from NYX. मेरा nose को contour करने के लिए मैं आज इसको use करने वाली हूँ and with the same contouring brush I'm going to contour my nose and मैं मेरा forehead में भी इसको थोड़ा सा apply करूँगी. अभी मैं एक सॉफ्ट एंगल ब्रश का यूज़ करूँगी जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग किया था और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. इससे फेस में कोई भी हर्श लाइन नहीं रहेगा एंड कॉन्टोर बहुत ही नेचुरल फिनिश लुक देगा. For my eyebrow, I'm going to use my Shivana eyebrow palette and using the dark brown shade with my PAC eyebrow brush. Next, मैं blush use करूँगी and for today I'm going to use Bobbi Brown blush. The shade is Poppy. ये एक deep berry red color है and blush को apply करने के लिए मैं use कर रही हूँ मेरा Real Technica blush brush. Now I'm going to use my Wet n Wild highlighter to highlight my face. Then I'm gonna move on to eyes, but I use the same highlighter on my brow bone. Today I'm gonna be using Morphe Rose Gold palette for my eyes. So for my crease I'm using this light brown shade and with my Sigma E45 brush मैं इसको पूरे lid में बहुत अच्छे से blend कर लूँगी. Crease को अच्छे से define करने के लिए मैं ये दोनों dark shade का use कर रही हूँ and इसको apply करने के लिए मैं use कर रही हूँ ये small blending brush. मैं फिर से सिग्मा E45 ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ कर रही हूँ मेरा क्रीज लाइन को सॉफ्ट करने के लिए. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्लिटर आई शेडो एंड दिस इज़ फ्रॉम निका के एंड इसको मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा लैश लाइन के ऊपर एंड ऑल्सो गोइंग टू अप्लाई दिस वन ऑन माई लोअर लैश लाइन. देन यू नीड टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड अलाउ टू ड्राई कम्प्लीटली. Now I'm going to do my eyeliner and इसके लिए मैं आज use कर रही हूँ मेरा Nykaa Black Magic Liquid Liner. And for my falsies I'm going to use my Provoke Eyelash. मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Maybelline का Push Up Drama Mascara and इसको मेरे upper and lower eyelash में apply कर लूँगी. Now it's time for lips. I'm using Sugar Smudge Me Not liquid lipstick in the shade 01 and to look my lips more plump I'm using the MAC Retro Matte lipstick and the shade is All Fired Up. And last में मैं use कर रही हूँ मेरा makeup fixing spray and this is from NYX. And
And yeah, this is the finished look. I hope you guys like it, and do subscribe my channel, and you can also follow me on my Instagram page. Thank you so much guys for watching me again. See you in my next video. Till then, you take care. Bye bye.